वहशत की दुनिया। काल कूपम के शातिर भुजंगा को मारकर सूर्य बलि का डंका सारे जहां में बज उठा। उसी कालखंड का दूसरा साम्राज्य रुद्रदेशम, जहां नीलवंशी कबीले के मुखिया सेतुपति ने प्रभावित होकर अपने पोते का नाम ही सूर्य बलि रख दिया। गगनभेदी और प्रलयकारी कुंगफू शक्तियों वाला कालकुंडा खेल एक बार फिर शुरू हो रहा था, जहां सूर्य बलि के पिता दक्ष देवा का एक ही मकसद था, रुद्र वंश से आजादी और काल भद्रा का वध। कालकुंडा प्रतियोगिता ही विजेता को रुद्र वंश के महाराजा कालभद्रा से मिलने का एकमात्र अवसर प्रदान करता है। जीतने वाला योद्धा महाराज से इनाम के तौर पर कुछ भी मांग सकता है। प्रतियोगिता रात 1 बजे समाप्त होगी। रुद्र महल का द्वार खुल रहा है। चलो, तुम्हें हारना नहीं है। नीलवंश के दक्ष देवा और सिंघा वंश के वीर भद्र, तुम दोनों ने साथ लड़कर जीता है। अब तुम दोनों को सभांगन में महाराज से अपना मुंह मांगा इनाम मांगने के लिए प्रवेश की अनुमति है। तुम दोनों ने कालकुंडा प्रतियोगिता जीती है, बहुत खूब। ये रुद्र वंश का कालभद्रा तुम्हें मुंह मांगा इनाम देगा। तो फिर हमारे नील वंश को और साथ ही सिंघा वंश को, दोनों को आजाद कर दीजिए। हमारे महाराज की असीम कृपा से कालकुंडा प्रतियोगिता का पुरस्कार सिर्फ नीलवंश को दिया जाता है। बेटा उठो, क्या हुआ तुम्हें? पिताजी क्या हुआ आपको?
उठिए ना पिताजी, उठिए ना पिताजी, बात कीजिए ना। रुद्रा बताओ अंदर आखिर क्या हुआ था? संजीवनी पत्थर, तकरीबन 100 संजीवनी पत्थर है इसमें। रुद्र देशम की खदान से महीने भर की खुदाई के बाद इतना पत्थर निकलता है और यही नीलवंश का इनाम है। और हां सेतुपति, जरा ध्यान रखना, तुम्हारे आसपास लालची गिद्ध मंडरा रहे हैं। रुद्र बताओ दक्ष देवा को आखिर हुआ क्या, बताओ हमें। बताओ, जब दो अंदर गए थे तो वापस एक ही क्यों आया? अच्छी कोशिश थी कुंफू के शीर्षांबर से, सिर्फ एक ही कदम दूर थे आप। अगले साल वसंत की शुरुआत होते ही खदान में कार्यबल का विस्तार होगा, सारे नौजवानों को इस खुदाई में शामिल होना होगा। पिताजी को होश आ गया है। हाँ, ठीक है। और साथ में एक पत्ता गोभी भी लेते हैं ना। हाँ। अरे कस्तूरी, आज इतनी खुश क्यों है? पिताजी को होश आ गया। काल कुंडा प्रतियोगिता शुरू होने वाली है, 18 वर्ष से अधिक के सारे नौजवान इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। यही मौका है अपनी किस्मत आजमाने का। उस्ताद, रुद्रवंश के सिपाही आ रहे हैं। चलो सामान उतारते रहो, चलो जल्दी जल्दी जल्दी, चलो चलो चलते रहो। मेरे पिताजी को होश आ गया। अरे कस्तूरी, आज तो इतनी खुश क्यों? मेरे पिताजी को होश आ गया। ये कस्तूरी तो अब मेरी ही कुंडली में बसेगी। ये तो रक्तवर्ण औषधि है, सारे रोगों का रामबाण। भैया, पिताजी को कितनी बार कहा है पिताजी के बारे में कुछ भी लोगों के सामने मत बोला करो। तुम्हें कमाल की चीज दिखाऊं? रक्तवर्ण औषधि, ये पिताजी के लिए अचूक औषधि है, इससे पिताजी ठीक हो जाएंगे। चलो चले। अच्छा, आज का दिन बहुत अच्छा है मेरे लिए, किस्मत से ये औषधि मुझे मिल गई। अवंतिका, अद्भुत चमत्कारिक शक्तियों वाला वो संजीवनी पत्थर हमारे पहले महाराजा द्वारा बनाया गया था। ऐसा मानना है कि वो पत्थर रुद्र देशम में ही कहीं है। खुदाई कर रहे मजदूरों पर कड़ी नजर रखो, वो पत्थर आसपास हो तो ये सूचक यंत्र फौरन संकेत देगा। जाओ ढूंढो और मिलते ही तुरंत मेरे पास लेकर आना। जी मास्टर। देख मेरे भाई, अगर तू सच नहीं बताएगा तो हम सिंघा कबीले को आखिर क्या जवाब देंगे? पता हुआ क्या था? हाँ बताओ क्या हुआ, नाटक करना बंद। छोड़ो मेरी माँ को, छोड़ो इसे। कस्तूरी, क्या हुआ माँ? छोड़ो पिताजी।
पिताजी को। पिताजी को अभी होश आया और आप ऐसा कर रहे हैं, और खुद को इनका भाई कहते हैं। मुंह बंद कर। बड़े जब बात कर रहे हो तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। हट जाओ। दादाजी, पिताजी, जब मैं अंदर आया तो ये बिना बोले कुछ फर्श पर यूं ही लिख रहा था। बेटा, मुझे बताओ आखिर उस रात अंदर हुआ क्या था? द्वार से सिर्फ तुम ही अकेले बाहर क्यों निकले थे? जवाब दो पिताजी को। हाँ, तुमने रुद्रवंशियों के साथ आखिर क्या सौदा किया था जिससे हमारी आजादी की उम्मीद सिर्फ एक थैले भर पत्थर बन के रह गई? बताओ हमें, बताओ क्या हुआ था? कहाँ गई तुम्हारी कुंगफू जो शीरशांबर पर अपना परचम लहरा रही थी? तुमने पिताजी की नाक कटा दी, उनकी 30 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया। मैं तुम्हें बेटा। भर्मा, पिताजी हमेशा कहते थे दक्ष देवा हमारे खानदान की शान है, हमारे कबीले की उम्मीद है। देखो खुद को, अरे शर्म आती है हमें तुम पर। बच्चे, तमीज से रहना सीख, जब तेरे बाप का दिमाग ठीक हो जाएगा ना तो मैं आऊंगा दोबारा सवाल पूछने। बेटा, भैया सोरे बलि, भैया भैया कमाल कर दिया। पिछले 8 सालों से दिन रात कुंग फू का अभ्यास कर रहा हूँ, पर अब तक पूरी तरह सीख नहीं पाया। मैं सिर्फ कुंग फू के 4थे स्तर तक ही पहुंच पाता हूँ। अगर ऐसा ही रहा तो मैं कालकुंडा प्रतियोगिता कैसे जीत पाऊंगा? भैया, मैं तो तुम्हें ये सलाह दूंगी कि क्यों ना तुम प्रतियोगिता में हिस्सा ही ना लो। 2 पूजा चक्रम से तो तुम बस मार ही खाओगे। नहीं, मैं जरूर हिस्सा लूंगा और तुम्हें जीत कर दिखाऊंगा। पिताजी के सपनों को हर हाल में पूरा करूंगा। पिताजी, आप कब तक ठीक होंगे? अगर आप ठीक हो जाएंगे तो कुंग फू सीखने में आप भैया की मदद कर सकते हैं। हाँ, रक्तवर्ण औषधि। भैया, हमारे पास वो रक्तवर्ण है ना, अगर पिताजी को उसे दे दे तो ये पक्का ठीक हो जाएंगे। मैं तो भूल ही गया था। चलो चले, घर चलकर औषधि बनाते हैं। चलते हैं। सिंघावंशी अमरेंद्र, बड़ा हैरान हूं मैं कि नीलवंश का उत्तराधिकारी जो जवान हो चुका है पर अब तक कुंग फू सीख रहा है। लगता है तेरे लिए मुझे हथियारों की जरूरत नहीं पड़ेगी। कस्तूरी। हाँ, जरा अपने कपड़े तो देखो, बाजारों में नाचने वाला नचनिया लगते हो। तेरे बाप से कुछ पूछना है, तुझ में अकल है तो। पहले तुझे मजा चखाऊंगा, फिर तेरे घर आकर पूछूंगा। आजा, पकड़ के दिखाना। भाई आजा। रुक जा। अरे बापे, ये तो सच में पकड़ लेगा। अरे क्या कर रहे हो? अरे अरे क्या कर रहे हो? Hey!
क्या यार? अरे क्या कर रहे तू? नीलवंश में सारे भगोड़े ही है क्या? किचन जाओ, सब लोग किचन जाओ। भाई कहाँ है? अबे ओ गधे की तुम, तूने तो मुझसे कहा था कि तू मुझे बिना हथियार के हराएगा। दम निकल गई। अबे दिखाता हूँ दम। तू है कौन रे? मेरी मंगेतर को डरा दिया। मेरी तो जान ही निकल जाती। है कौन तू? मैं नीलवंश से हूं और मेरा नाम हम रुद्र वंश की सरजमी पर नील वंश का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? सूर्य बलि मेरा दुश्मन है, इसे सिर्फ मैं मारूंगा। भी मरेगा। आओ काग बसुंडी का प्रणाम। लगता है महाराज काल भद्रा काफी चिंतित है। काग बसुंडी, सालों पहले मैंने गुलामों को संजीवनी पत्थर की खुदाई का आदेश दिया था और वो पत्थर मैं सिर्फ तुम्हें भेजता हूँ। उसके बदले में तुम जादुई व्यूह बनाने में मेरी मदद करते हो, जो युद्ध कक्ष में ताकत और लड़ाकों की कुंफू को खत्म कर देता है। पर 8 साल बीत गए और अब भी मैं कुंफू के शीर्षांबर पर नहीं पहुंच पाया। धैर्य रखे महाराज कालभद्रा, इंग और यांग शक्ति को हासिल करने का आपका तरीका प्राकृतिक नियमों के खिलाफ है, इसलिए सब्र रखें। जरा सोचिए, आपका रुद्र महल दिव्य पत्थरों पर ही तो निर्मित है और इसका बहुत बड़ा भौगोलिक फायदा है, इसलिए आप मेरी मदद करते रहिए, मैं आपकी मदद करता रहूंगा। बस मौके का इंतजार कीजिए। काल कुंडा प्रतियोगिता आपके मकसद को हासिल करने का सुनहरा मौका है। पिताजी, क्या हम काग भुसुंडी पर भरोसा कर सकते हैं? मुझे लगता है वो हमारा फायदा उठा रहा है। चिंता मत करो, एक बार मैं कुंफू के शीर्षांबर पर पहुंच जाऊं फिर उसके रहमो करम की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। पिताजी, मुझे आपसे कुछ कहना है, अपनी शादी के बारे में। भूल गए क्या कहा था मैंने? गुलामों के साथ रिश्ता हमें मंजूर नहीं, कतई मंजूर नहीं। जाओ रुद्र से कहो संजीवनी पत्थरों की खुदाई की रफ्तार जरा तेज करे। जी। ये रहा संजीवनी पत्थर, दोनों लड़ो, जो जिंदा बचा ये उसका इनाम होगा। सालों पहले दक्ष देवा और वीरभद्र इसी पत्थर के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे बन बैठे और फिर साजिश रचकर दक्ष देवा ने वीरभद्र को मौत के घाट उतार। झूठ बोल रहे हो तुम, सुनकर बहुत बुरा लगा ना? अगर तुम दोनों नहीं लड़ोगे तो दोनों मारे जाओगे। Ha ha ha!
अमरेंद्र, अपने बाप की मौत का बदला नहीं लोगे? तुम्हारे बाप को इन रुद्रवंशियों ने मारा और मेरे बाप को अपाहिज बना दिया, और तुम मुझसे लड़ रहे हो? अगर हिम्मत है तो उठाओ तलवार और काट डालो रुद्रवंशियों का गला। बोलो, लड़ सकते हो इनसे? सूर्यबली, छोड़ दो। सितारों की चाल सीधी है जो आसपास जीवात्माओं के होने का प्रमाण देते हैं। यिंग और यांग तेजी से घूम रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मुझे जिन चीजों की तलाश है वो आसपास ही हैं। देखो, इतिहास कैसे खुद को दोहराता है। काफी पहले दक्ष देवा ने वीरभद्र को संजीवनी पत्थरों के लिए धोखा दे दिया था, और आज वीरभद्र के बेटे ने धोखे का बदला ले ही लिया। सही किया। के साथ क्या किया? मार दिया तुमने उसे? रुद्रा ने हमें लड़ने पर मजबूर किया। तुम्हारा भाई मुझसे हार गया, इसलिए वो पहाड़ी से कूद गया। मुझे लगता है वो मर चुका होगा। वो ऐसे कैसे पहाड़ी से कूद जाएगा? तुमने उसे धक्का दिया ना? क्या मतलब? मुझे भरोसा है वो अब भी जिंदा होगा। मुझे ले चलो वहां। सारे जख्म भर कैसे गए? चमत्कार हो गया। मास्टर, वो संजीवनी पत्थर नीलवंश के सूर्य बलि के पास है। मास्टर, क्या हम उसे मारकर वो पत्थर छीन ले? नहीं, प्राचीन में वो पत्थर चित्रलिपि के पुरखों ने बनाया था जिसमें अद्भुत शक्तियां हैं, और वो पत्थर उसी व्यक्ति के लिए कारगर होता है जिसका रक्त उस पत्थर पर टपका हो।
वो उसी के मुताबिक काम करेगा जब तक वो उसे छोड़ ना दे। इसलिए सूर्य बलि को मारने से कोई फायदा नहीं होगा। एक भुजा चक्रम, दो भुजा चक्रम, तीन भुजा चक्रम, चार भुजा चक्रम, पांच भुजा चक्रम, छह भुजा चक्रम, सात भुजा चक्रम, आठ भुजा चक्रम। अगर वो पत्थर चाहिए तो उसका करीब जाओ और साथ रहने का उपाय ढूंढो। इससे पहले कोई और उसका दोस्त ना बन जाए इसका ध्यान रखो। मैंने एक योजना बनाई है जिसका आने वाले कालकुंडा प्रतियोगिता में इस्तेमाल करेंगे। जी मास्टर। नौ भुजा चक्रम, सुनो तुम ठीक हो? मेरा भाई तो यहाँ नहीं है, तुमने धोखा दिया मुझे। मैं भरोसा करो मुझ पर, मैंने तुम्हारे भाई को कुछ नहीं किया। मेरे भाई को वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ उसे। पत्थरों में सुराख करके ही मैं यहां से निकल सकता हूं। कस्तूरी के साथ बदतमीजी की, मैं तुम्हें कस्तूरी। क्या तुम्हारी बहन ने मेरे साथ बदतमीजी की? तुम्हें बाद में देखता हूं। सुनो तुम्हारी बहन को हुआ क्या है? पैदाइशी इसमें हिमकाया नाम की बीमारी है। जब भी ऐसा होता है ये ठंड से जमने लगती है जिससे इसकी मौत भी हो सकती है। मुझे मरा समझकर तुमने रुद्रा से वो पत्थर ले लिया। नहीं मैंने नहीं लिया, तुम्हारी बहन ने लिया पत्थर। मैं तुम्हारे बाप जैसा नहीं हूं। इसे मुझे दो। अब मिल ही गया है तो इसका इस्तेमाल करते हैं। ये लो। यंग मोती, इसे तो सिर्फ वही नियंत्रित कर सकते हैं जो कुंग फू कला में बिल्कुल पारंगत हो चुके हैं। भैया, मुझे पता है तुम्हारे नौ भुजा चक्रम का राज तुम्हारे दाहिने हाथ की हस्तलिपि से जुड़ा है ना? अरे रुद्रा को मारो ना, मुझे मारकर कुंग फू मास्टर नहीं बन जाओगे तुम। अगर ये बात किसी तीसरे को पता चली तो वो पक्का मेरे नौ भुजा चक्रम से ही मरेगा। एक, दो, तीन। एक महीने बाद कालकुंडा प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। नीलवंशी रुद्रवंशियों से आजाद हो पाएंगे या नहीं यह अब तुम पर निर्भर करता है। इनसे नहीं हो पाएगा दद्दू।
नवभुजा चक्रम, वाह कमाल कर दिया। कुल देवी के मंदिर चलो मेरे साथ। हमारा युवराज अमरेंद्र की मदद से सूर्यबली जिंदा बच गया है। युवराज आप आदेश करें। वो पिद्दा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर वो नवभुजा चक्रम सीख कर वापस लौटा है युवराज। नवभुजा चक्रम तो कुंगफू का क खा ग है, जिसे बच्चा भी सीख सकता है। फिक्र मत करो। खबर है कि नीलवंशी कालकुंडा प्रतियोगिता में फिर से हिस्सा लेने वाले हैं, और खबर यह भी है कि सिंहावंशी नीलवंशियों के साथ दोबारा गठबंधन करके लड़ने वाले हैं। हमारे जासूस उन पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मैं कुंगफू के शीर्ष पर पहुंचने से मात्र एक कदम दूर हूं। इस पूरे साम्राज्य में पिताजी को छोड़कर मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। पर आप पिछले 8 सालों में वो एक कदम तय कर शीर्ष पर नहीं पहुंच पाए अब तक। सच कह रहा हूं ना मैं? मैंने कहा था ना, कालकुंडा प्रतियोगिता आपके बंद किस्मत की चाबी है। क्या आप अपने बंद किस्मत के ताले को नहीं खोलना चाहते हैं? अगर खोलना चाहते हैं तो मुझे एक आदमी दे दीजिए। सिर्फ वो एक आदमी ही चाहिए मुझे। कौन? सूर्यबली। देह विन्यास कला के 8वें पायदान पर कैसे पहुंचे तुम, वो भी इतने कम समय में? तुम्हारे 9 भुजा चक्रम का राज तुम्हारे दाहिने हाथ की हस्तलिपि से जुड़ा है ना? मुझे नहीं पता, मैंने बस कड़ी मेहनत की, फिर एक दिन अचानक लगा कि मेरे अंदर कोई शक्ति आ गई। तुम तो अपने पिता से बहुत आगे निकल गए हो। मैंने तुम्हें कम आका। आने वाली कालकुंडा प्रतियोगिता में हमारी तरफ से तुम लड़ोगे। दादाजी, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतर कर पिताजी पर लगे कलंक को मिटा दूंगा। अब सिर्फ तुम ही नीलवंश की उम्मीद हो। दत्तू, आप भी पिताजी को ही जिम्मेदार मानते हैं? मुझे उस पर कभी संदेह नहीं था। 8 साल हो गए, पर आज भी तुम्हारे बाप पर मुझे पूरा भरोसा है। सूर्यबली, अब हम दोनों नीलवंश की आन पान शान के लिए मिलकर लड़ेंगे। इस स्वर्ग धरा थैले में सब कुछ है। संजीवनी पत्थर के थैले से तुम्हें अपना कुंग-फू बेहतर करने में काफी मदद मिलेगी। बस अपने बाप के कदमों पर मत चलना। कालभद्रा कुंग-फू का पितामह है, उसे हराने के लिए केवल इन पत्थरों से काम नहीं चलेगा। बहुत होशियार हो गया है। यहां कुछ कुंग-फू की किताबें हैं जो मैंने अपने पूर्वजों के कबीले से ली थी। यह हमारे परिवार का आखिरी बेशकीमती खजाना है। तुम अब भी कुंग-फू के शीर्ष पर नहीं पहुंचे, तुम्हें कुंग-फू में और भी आगे बढ़ना होगा। ये रहा त्रिस्तरीय पवन चक्र बाजू, बिजली सी कौंध वाला, तुम्हें आजमा सकते हो। ये कुंग-फू की एक अधूरी किताब है, इसका बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया, मैं इसे ठीक नहीं कर पाया। तुम दूसरी किताबें पढ़ सकते हो। अधूरी है पर आपने बड़ा संभाल कर रखा है। ये तो कुंग-फू का कोई महान ग्रंथ लगता है, पहले इसे ही पढ़ूंगा। पिताजी, मैं देह विन्यास के 8वें स्तर पर पहुंच गया हूं। दादू के आशीर्वाद और दिव्य पत्थर की मदद से अब शीर्ष धारा पायदान से आगे पहुंचना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। आप बस
जल्दी से ठीक हो जाइए। तुम मौत के मुंह से बच के आए हो, अब कहीं नहीं जाओगे तुम। इस प्रतियोगिता को लेकर मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। माँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ, तुम चिंता मत करो, मुझे खुद पर भरोसा है। माँ, भैया को कुछ नहीं होगा। यहाँ किस लिए आए हो? प्रतियोगिता में तुम्हें जानलेवा खतरों का सामना करना पड़ेगा। अगर मेरे आगे गिड़गिड़ाओगे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ओए, तुम्हारी नौ भुजा चक्रम से कुछ नहीं होगा। तुम रुद्रा की शक्तियों से वाकिफ हो, तुम्हारी नौ भुजा चक्रम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। मेरी मदद के बिना तुम मारे जाओगे। मेरे भाई को बदला दे रहे हो? हाँ? सच तो ये है कि तुम जीत नहीं सकते, इसलिए मेरे भाई की मदद लेना चाहते हो। चले जाओ। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कस्तूरी, कस्तूरी, बको। मैं जानता हूँ कि हमारे परिवारों की बनती नहीं, वो मेरी वजह से तुम्हें ठंड का दौरा पड़ा, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। तुम मुझसे दूर रहो, यही तुम्हारे लिए माफी होगी। ये मेरे कबीले की रामबाण औषधि है। वैसे ये दिखता फूलों की तरह है, पर माफी के तौर पर इसे रख लो। भैया, क्यों लिया तुमने? उसने दिया तो मैंने ले लिया। युवराज, सिंघा वंश का अमरेंद्र सूर्यवली से गठबंधन के लिए गया था, पर उसने मना कर दिया। ठीक है, जाओ। युवराज, लगता है नीलवंश में प्रतियोगिता के लिए कोई मर्द नहीं बचा। रुद्रा, ये सूर्य बलि आखिर है कौन? जो भी है, वो मरेगा तो मेरे ही हाथों। वो पहाड़ी से कूदने के बाद भी बच गया, और अब सुना है वो कुंग फू सीख कर लौटा है, पर हमसे मुकाबला नहीं कर पाएगा। रही बात संजीवनी पत्थर की, तो वो तो हमारे पास बहुत है, पर वो हमें शीर्षांबर तक नहीं पहुंचा सकते। इसलिए क्यों ना हम इसे नागापुरम के रईसों को बेच डालें, ताकि रुद्र देशम से दूर हम वहां भी अपने पैर जमा सकें, और हमें काकभुसुंडी पर बिल्कुल भी निर्भर ना रहना पड़े। इससे हमारे व्यवसाय का और भी विस्तार होगा पिताजी। नागापुरम से व्यापार तुम्हारा काम नहीं है। पर पिताजी, हम सालों से बस अपने ही साम्राज्य तक सीमित हैं, क्या आपको इसका खेद नहीं है? अभी मैं जिंदा हूं। रुद्रवंश का राजा तुम नहीं, मैं हूं। मैं अभी तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ कालकुंडा प्रतियोगिता और कबीलों के सारे ताकत और लड़ाकों को मुझ तक लाना है। इसके अलावा तुम कुछ नहीं सोचोगे। सूर्य बलि पर कड़ी नजर रखो, वो हमारे लिए मुसीबत ना बने, इसलिए उसे रोकना होगा। पिताजी, सूर्य बलि मेरा सामना नहीं कर पाएगा। भैया, तुमने अमरेंद्र को जोड़ी बनाने से क्यों मना किया? तुम कुंफू में शीर्ष धारा नहीं सीख पाए तो कैसे रुद्रवंश को हरा पाओगे? चिंता मत करो, मेरे पास ना हुकुम का इक्का है। भैया, क्या हुआ भैया? संजीवनी गोली। भैया, कितनी किस्मत वाले हो तुम, ये संजीवनी गोली 100 पत्थरों के बराबर होती है। मतलब मेरे हाथ से यिंग मोती निकलना कोई इत्तेफाक नहीं था।
यानी मेरे बाएं हाथ की हस्तरेखा दुनिया की हर चीज बना सकती है। चलो घर चलते हैं, इसे ठीक से छुपा लो। चोर कहीं का? भैया कौन थी वो? हे रुक जाओ। अरे बाप, ये तो पूरी तीखी कटारी है। बिल्कुल 8 साल पहले की ही तरह ये कालकुंडा प्रतियोगिता ही एकमात्र ऐसा मौका है जिससे आप रुद्रवंश के महाराज कालभद्रा से मिल सकते हैं। जीतने वाला उनसे मुंह मांगा इनाम मांग सकता है। सूर्यास्त से पहले शैतानी जंगल से जो 30 नामों की तख्तियां लाएगा उसे ही रणांगन में प्रवेश की अनुमति होगी और यह होगा पहला चरण। तो प्रतियोगिता अब शुरू होती है। ये देख क्या बकरा है। चल इसे पकड़ते हैं और रुद्रवंशियों के हवाले करके मोटा इनाम कमाते हैं। हाँ चल चल चल। प्रतियोगिता का सबसे कठिन हिस्सा है पहला चरण, जिसमें विरोधी को पकड़कर उसकी हत्या करनी होती है। मैं चाहता हूँ कि अपनी ताकत को बचाकर बिना अपनी ऊर्जा को गंवाए पूरे जोश के साथ रणांगन में प्रवेश करूं। मेरे ख्याल से यही मेरे लिए सबसे अच्छी रणनीति होगी। कुछ दिनों से मुझे महसूस हो रहा है कि मैं जहां भी जाता हूं रुद्रवंश के जासूस मेरा पीछा करते हैं। ऐसे में अगर उन्हें चकमा देना है तो इसके लिए मुझे एक मजबूत और भरोसेमंद साथी चाहिए, एक गुप्त गठबंधन वाला साथी। यहाँ किस लिए आए हो? अगर तुम गिड़गिड़ाओ तो कस्तूरी बको मुझे माफ कर दो। गठबंधन टिड्डा जब कीड़े का शिकार करता है तो बुलबुल चिड़िया गुप्त रूप से उसके साथ होती है और यही योजना मेरी भी है, पर किसे पता था कि कीड़े और बुलबुल की ही दोस्ती हो जाएगी। देखता क्या है? यही सूर्यबली है। इसके थैले में संजीवनी पत्थर और तख्तियां हैं। छीनो इससे। कौन से रास्ते से लाया हो तुम? अब लड़ना तो पड़ेगा। Yeah!
मदद करो। अबे अंधा है क्या? अरे बेकार में जोड़ी बनाई तुमसे। अब ये कौन है? अवंतिका है, नागापुरम से। अपने साम्राज्य की नहीं है पर बड़ी कातिलाना है। मुझे तो ये टोपीबाज लगती है। बड़ी कातिलाना है। अब तो तू गई काम से। चोरी क्यों की तुमने? अपने परिवार को बचाने के लिए मैंने चोरी की। मेरे पास दो यिंग मोती हैं। ये संजीवनी गोली से 100 गुना बेहतर काम करता है। वैसे तुम्हारी कुंग फू कमाल की है, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो? आज से 15 दिन बाद फिर ये यिंग मोतियां तुम्हारी हो जाएंगी। उस दिन मेरा बटुआ सबके सामने अचानक से खुल गया। मैं घबरा गया कि सिर्फ रुद्रवंशी ही नहीं बल्कि सब मेरी जान के दुश्मन बन जाएंगे। उस दिन से मेरी परेशानियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। दूसरी बात, कालकुंडा प्रतियोगिता जीतने के लिए नक्शों का ज्ञान होना जरूरी है। ये शैतानी जंगल का नक्शा है जिसे उन लड़ाकों ने बनाया है जो पहले इस जंगल से बच निकले थे। नक्शे में ये वो जगह है जहां वो जंगली शैतान रहता है। हां जानता हूं, जंगल में हमें उस जगह से दूर रहना होगा। नहीं, हमें उसी का भरपूर इस्तेमाल करना होगा। जंगल से निकल नहीं पाए तो क्या होगा? डरो मत, खुद पर भरोसा रखो। रुक जाओ। अब ये क्या बला है? तीसरी और सबसे जरूरी बात, हमें अपनी ताकत बढ़ानी होगी। कालभद्रा उच्च श्रेणी कुंफू का महारथी है पर मैं अभी निचली श्रेणी के ही कुंफू को सीख पाया हूँ। मैं कच्चा खिलाड़ी तो हूँ पर मैं 10 भुजा चक्रम की मदद से हो सकता है कि जीतने में सफल हो जाऊँ। 10 भुजा चक्रम की कुंफू होती है? हाँ, ये लो संजीवनी गोली। संजीवनी गोली? मैं कुछ दिनों से संजीवनी पत्थर तराश रहा हूँ। मुझे 10 भुजा चक्रम का वार करने के लिए और ताकत की जरूरत पड़ेगी। 100 संजीवनी गोलियों की मदद से मैं शीर्ष धरा कुंफू को जल्दी हासिल कर सकता हूँ तो फिर 10 भुजा चक्रम का वार मैं 9 भुजा से ज्यादा शक्तिशाली रूप में कर सकता हूँ। और मेरा आखिरी वार काल भद्रा के लिए होगा। अगर तुम लड़ाई में मरने वाले हो गए तो भी मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। समझ गए? कम किसे समझते हो? उसे ही जिसे बुरा लगा। तेरी तो सबकी जान जोखिम में डाल दी तुमने। सूर्य बलि, निकलने का रास्ता ढूंढो। हाँ। Yeah.
बताओ क्या खबर लाए हो। सूर्यबली और अग्निबाघा दोनों का पता लग गया है। अच्छा अग्निबाघा, ये तो सचमुच कमाल हो गया। उसकी ताकत तो कुंग-फू में शीर्ष पर पहुंचे योद्धा के समान होती है। अब वो तुम्हारे लिए मेरी तरफ से एक तोहफा होगा। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। पकड़ो उसे। ये क्या है? क्या ऐसा भी तुमने सोचा था? ये तो रुद्र है, पूरा तूफान है। लेकिन ये भाग क्यों गया? अग्निबाघा भागो! थोड़ी गड़बड़ हो गए पर कोई बात नहीं। काकभुसंडी से कहो अपनी बिसात तैयार रखे। तुम बेवकूफ हो, तुमने कहा था ना आखिरी बार कालभद्र के लिए होगा, तो यहां क्यों चल दिया? याद रखना, ये तुम पर कर्ज रहा। कैसा कर्ज? तुम मेरे असली नायक हो। हुँ।
रुक जाओ। इसने तो तुम्हें अपना मालिक मान लिया, बहुत बढ़िया। बड़ा होकर इसकी ताकत कुंफू मास्टर जितनी हो जाएगी। कस्तूरी। हाँ भैया। भैया। कस्तूरी। अरे तुमने तो कहा था कि कस्तूरी को हमें खतरों से दूर रखना होगा, बड़ी फिक्र थी ना तुम्हें। यही मेरी खुफिया हथियार है जिसे मैं आखिरी पड़ाव पर इस्तेमाल करूंगा। कस्तूरी भैया, इसे ले जाओ, छुपा के रखो, किसी को पता ना चले। जब इसकी मदद की जरूरत पड़े तब ये पत्थर इसे खिला देना। जाओ। कस्तूरी। और तुम मुझे उठाकर रणांगन तक ले चलोगे। वो क्यों? अब अगर एक भी कदम चला तो मेरे शीर्ष धरा कुंगफू की ऊर्जा खत्म हो जाएगी, और अगर तुम हारना नहीं चाहते हो तो। अच्छा बच्चा, किस्मत ही खराब है। चल मेरे घोड़े, टिक 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 टिक। हाँ घोड़े के ऊपर गधा, मजा आ रहा है। मुझे नहीं आ रहा। लगता है अब रणांगन में कोई नहीं आने वाला। पिताजी मैंने कहा था सूर्यबली से नहीं हो पाएगा, देखा अभी तक नहीं आया, वो संजीवनी पत्थर लेके भाग गया होगा। मैं घोषणा करता हूं कि कालकुंडा प्रतियोगिता के विजेता रुद्र। जाओ। स्वागत नहीं करोगे हमारा? सूर्यबली, 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 सूर्यबली। मैं हूँ नीलवंश का सूर्यबली। और मैं सिंघा कबीले का अमरेंद्र। देखो वो लोग आ गए। सूर्यबली जीतेगा। पिताजी एक से तीन लड़ेंगे फिर तो जीत हमारी ही होगी। दुश्मन को कम मत आंको, तीनों में से सिर्फ सूर्यबली ही शीर्ष धरा कुंफू तक पहुंच पाया है, बाकी दोनों तो सिर्फ देव विन्यास के आठवें पायदान पर है, और रुद्रा कुंफू के शीर्ष अंबर से बस एक कदम पीछे है। तुम शीर्ष धरा ही जानते हो ना? उससे भी कहीं ज्यादा। भुजा चक्रम का वार कर सकते हो? नहीं। हम अपराधी है क्या? चिल्लाना बंद करो यार, तुम रुद्रा का ध्यान भटकाओ, मैं एक चाल चलता हूं। तुम्हारे पास तो बहुत उपाय है। तुम्हारा पुराना दाव मुझ पर दोबारा काम नहीं करेगा। Huh?
टिड्डा जब कीड़े का शिकार करता है तो बुलबुल उसके साथ होती है। इस बार कीड़ा तुम हो और बुलबुल हूँ मैं। बुलबुल हो तो उड़ते क्यों नहीं? अब उड़कर दिखाता हूँ, कूदो। हस्तरेखा का जादुई द्वार। माना कि तुम इतने तेज हो कि आंखें तुम्हें देख नहीं पाती, पर तुम कितना भी चिड़िया की तरह उड़ लो, आना तो जमीन पर ही है। तुम हार चुके हो। नियमों के मुताबिक सिर्फ दो विजेताओं को ही रुद्रवंश के महाराज से मिलने का मौका मिलेगा। तुम्हारे तर्कस में तो बहुत तीर है। और तुम हुआ क्या इसे? उसने मारा क्यों? वो इन्हें हक्के ही लेगी क्या? बहुत अच्छा साथी ढूंढा है तुमने। ए, रुक जा। तेरे इरादे पहले से जानता था, वार क्यों किया हम पे? बोल, हमेशा सुमड़ी में रहती है, खुद को समझती क्या है? फूल परी। ये वार मुझे पहाड़ी से कूदने पर मजबूर करने के लिए। सूर्य बली, तुम और तुम्हारे बाप एक जैसे हो, दोनों के दोनों गद्दार। सूर्य बली, तुम बड़े कमीने हो। तुम लोगों ने जो मेरे बाप के साथ किया, क्या वो कमीनापन नहीं था? हाँ, चले। क्या हुआ? क्या हुआ आपको? हमारा बेटा जीत रहा है, वो आप पर लगे कलंक को मिटा देगा। नहीं। पीछे हटो सब, मरना चाहते तुम लोग? पिताजी, पिताजी मुझे बचाइए, मार दीजिए इसे। तुम कुंफू के एक नौसिखिए पिद्दे तक को नहीं हरा पाए? लानत है। पिताजी, मैं अपने वादे के मुताबिक
नीलवंश को अब आजाद कर दीजिए और मेरे पिता के साथ जो हुआ बताइए सबको, नहीं तो मार दूंगा मैं इसे। हंस किस पे रहे हो? हंसना बंद करो, बंद करो हंसना। तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? मार दूंगा मैं इसे, जान से मार दूंगा। अपने बाप के बारे में जानना चाहता है? ध्यान से सुन, तू और तेरा बाप बिल्कुल ही एक जैसे हैं। मूर्ख, मूर्ख। पिताजी, तो फिर हमारे नील वंश को और साथ ही सिंह वंश को दोनों को आजाद कर दीजिए। कालभद्रा, क्या चाहते हो तुम? कालभद्र, तुमने धोखा दिया है हमें। तुम कुंग फू मास्टर की किताब के योग्य हो, अब भी जान बाकी है। अब तेरा खेल खत्म। काक भुसुंडी, ये क्या कर रहे हो तुम? जरा शांत हो जाइए महाराज, मैंने जादुई व्यूह रचना को और प्रभावी बना दिया है। अब एक कुंगफू को सोख लेने के साथ ही लड़ाके की शक्ति स्रोत को भी अलग कर देता है। यही सूर्य बलि की शक्ति थी। काक भुसुंडी, तुम संजीवनी गोली से मुझे धोखा दे रहे हो? पिताजी, नीलवंशों के बच्चों तक ने बगावत कर दी है, द्वार तोड़कर यहां आने की कोशिश कर रहे हैं। तुझे तो सजा जरूर मिलेगी। काक भुसुंडी, खेल शुरू करो।
यही तो मैं चाहता था। बधाई हो युवराज रुद्रा, आखिर आप अपने मकसद में कामयाब हुए। भाई, नीलवंशी बागियों के साथ क्या करना है? तुम देखो क्या करना है, कुछ भी करके भगाओ उन सबको। कायर रुद्रवंशी हो, बाहर निकलो। सेतुपति शांत हो जाओ, सूर्यबलि की तो महाराज से दोस्ती हो गई, वो आपस में बातें कर रहे हैं। सूर्यबलि अब कुछ दिन यहीं रहेगा। ये है सूर्यबलि को महाराज की तरफ से इनाम। आज से रुद्र देशम की हवा महल नीलवंश की हुई। इन नीलवंशियों ने फिर वही किया जो 8 साल पहले किया था। ये धोखेबाज हैं, गद्दार हैं। हम सिंघावंशियों से दोबारा गठबंधन करके इन्होंने धोखा दिया है। शांत हो जाओ। सूर्यबलि, सूर्यबलि बाहर आ, जवाब दे हम सबको। उठो, उठो। हारने वाले को यहाँ शोर मचाना मना है। सेतुपति अलविदा। पिताजी, मैं तो कहता हूँ हम पहले हवा महल चलते हैं, उसे देख लेते हैं, फिर आगे क्या करना है सोचेंगे। दादाजी, मास्टर, सूर्यबलि की लाश अब तक नहीं आई यहां। नहीं आई? या तुमने कहीं छिपा दिया? जवाब दो, लाश के यहां नहीं आने का कारण कहीं तुम ही तो नहीं हो? मैं तो यहां इंतजार कर रही थी। लगता है जादुई व्यू में कोई गलती हुई है, आप पता कीजिए। काल कुंडा प्रतियोगिता में तुमने सूर्यबलि को अंदर जाने से क्यों रोका? क्योंकि शैतानी जंगल में उसने मेरी जान बचाई थी। या फिर तुम्हें उससे प्यार हो गया है? मैंने तुम्हें बचपन से पाला पोसा, उसका एहसान कब चुकाओगी? बस मुझे एक और मौका दीजिए मास्टर, वादा करती हूँ मैं काम पूरा करूंगी। हम्म।
सूर्य बलि की रक्षा संजीवनी शिला करता है, मतलब वो जिंदा होगा। मेरा शिला सूचक यंत्र पता नहीं लगा पा रहा है, और बुरी खबर यह है कि स्वर्णवंशी हमें चुनौती दे रहे हैं। मुझे शीघ्र वापस जाना होगा। तुम्हें सूर्य बलि को लाना होगा। मुझ पर भरोसा कीजिए। भरोसा करूं? बिल्कुल नहीं कर सकता। एक सुई तुम्हें पूरी तरह से मेरा आज्ञाकारी नहीं बना सकती, इसलिए एक सुई और चुभानी पड़ेगी तुम्हें। मेरे ख्याल से तो आप हमें खुश होना चाहिए। हाँ, रुद्रवंश का हवा महल जो उनकी धरोहर थी वो अब हमारी है। हाँ, अब इस हवा महल से हम इस साम्राज्य में अपना पैर जमा सकते हैं। अब हमें आजादी की क्या जरूरत है? क्या बोलते हो? बेटा होशो हवास में नहीं, और मेरा पोता रुद्र महल से लौटा नहीं। रुद्र महल के अंदर कुछ तो गड़बड़ है, उसका पता लगाना होगा। पिताजी, मैं सूर्य बलि की भीख मांगती हूँ, उसे वापस ला दीजिए। मेरा भाई वापस नहीं आया, और उसके जान की कीमत ये हवा महल। आपको उसके जान की कोई परवाह नहीं? दादाजी, हमें भैया को वापस लाने के लिए रुद्र महल चलना होगा। मैं पूरे कबीले की जान दांव पर नहीं लगा सकता, पर वादा करता हूं कि सूर्य बलि का पता लगा कर रहूंगा। ठीक है, मां उठो। अगर आप लोग नहीं जाएंगे तो मैं खुद जाऊंगी। मैं अकेले ही अपने भाई को बचाऊंगी। कस्तूरी, पिताजी। काल भद्रा, तुम कायर हो, डरपोक हो, मेरे भाई को वापस करो। शर्म नहीं आती तुम्हें हारने के बाद साजिश करते हो? बाहर आओ, मेरे भाई को अंदर कैद करके रखा है। हाँ, बाहर निकल डरपोक। अब मैं गालियां दूंगी तब वो जरूर बाहर आएगा। तुम इस अग्नि बागा के साथ अंदर चले जाना और घर की मदद से मेरे भाई को ढूंढना। रुको, तुम्हारी ये तरकीब काम करेगी? ये कुत्ता थोड़ी ना है कि गंध से पता लगाए। जब भैया और मैं छोटे थे तब चाचा के घर चोरियां करने जाते थे, वो भी एक कुत्ते की मदद से, और कामयाब भी हो जाते थे। ये भैया के कपड़े ले जाओ। हाँ, तुमको ये चमत्कारी थैला इस्तेमाल करने तो आता है ना? तुम्हें पता है ना, उसने मुझे धोखा देकर रणांगन से बाहर किया। मैं उसके साथ अंदर भी नहीं जा पाया। मैं उसका बदला लेकर रहूंगा। बेवकूफ कह के, भैया ने इसलिए ऐसा किया क्योंकि तुम्हारी जान खतरे में थी। उसका मकसद तुम्हें बचाना था, चिंता मत कर। नहीं, कस्तूरी, कस्तूरी। तुम गद्दार हो, धोखा करते हो सबके साथ। बाहर आओ कमीने। बाहर नहीं निकले तो तुम्हारे ये महल जलाकर राख कर दूंगी। तुम्हारा पूरा रुद्रवंश ही कमीना है। इतनी जल्दी बाहर आ गए? यही है तुम्हारे सपनों की रानी? माफ करना, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। मैं अपने भैया के लिए आई थी, मैं अभी चली जाती हूँ। तुम्हारा भाई मर चुका है। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि तुम्हारा भाई मर चुका है, अब हम उसे दफन करने के लिए कब्र खोदने जा रहे हैं। तुम उसे देखना चाहोगी?
दुनिया भरी। कौन है? मैं मायावी लोक का स्वामी शिकारा। वो का घुसंडी तुम्हें कहीं और ले जाना चाहता था, पर मैं दिव्य संजीवनी पत्थर की मदद से तुम्हें यहाँ ले आया। मैं हूँ कहाँ पर? ये मेरा मायावी लोक है, जीतने के लिए मैं तुम्हें कुंग फू सिखाऊंगा। मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मर चुके हो तुम। अब तुम्हारी आत्मा मेरे वश में है, रुद्रवंशियों को हराने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम झूठ बोल रहे हो, अगर मैं मर चुका होता तो तुम मुझसे बात नहीं कर रहे होते। तुम्हारा मायावी लोक, अब बताता हूं तुम्हें। अब समझ में आया क्या तुझे? शिकारा ये मेरा मायावी लोक है, तू मुझे धोखा देगा। पिद्दी कहीं का मुझसे होशियारी करता है। अगर तुम मेरी रानी बन जाओ तो मैं तुम्हारे नील वंश को आजादी दिला सकता हूं। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी बात सुनो, हम रुद्रवंशी रुद्रदेशम तक ही सीमित होकर रह गए हैं। सारी जिंदगी संजीवनी पत्थर की रखवाली करते रहे हैं किसी और के रहमो करम पर। मुझसे शादी करो, मैं तुम सबको आजादी दिलाऊंगा। मेरे प्यारे भाई, मैं सोच रहा था कि आखिर तुमने मेरी मदद क्यों की। इस जैसी लड़की को तो कभी भी उठाकर तुम्हारी बीवी बना सकते थे, बस एक बार पिताजी से कह दिया होता। उन्होंने स्कूल की लड़कियों से शादी मंजूर। छोटी सोच, बड़ा भाई भी पिता समान होता है। मैं तुम्हारी शादी इससे जरूर कराऊंगा, मुझ पर भरोसा रख भाई। क्या कहा? शादी रुद्र महल में ही होगी, बड़े धूमधाम से। मैं फिर से कहता हूँ, मैं मायावी लोक का सम्राट शिकारा हूँ। मेरे अच्छे दिनों में मेरा प्रभाव रुद्र देशम से भी आगे था। बता मुझ में कौन सी शक्ति है जिससे मैं बच गया? तुम्हारे रक्त में संजीवनी पत्थर का प्रभाव जागृत हो गया है, और इन पत्थरों में मैं सो रहा था, और इस पत्थर को हस्तलिपि के पूर्वजों ने बनाया था। ऐसी बात है, तभी मैं कुंग फू में इतनी जल्दी सब कुछ सीख गया। बता सकता है कि दिव्य शक्ति को जागृत कैसे कर सकते हैं? वो बहुत धीरे धीरे जागृत होता है, पर अभी तुम महा ऊर्जा शक्ति को झेल नहीं पाओगे। उस समय तुमने 100 संजीवनी पत्थर की गोलियां निकल ली थी। अगर उस दिन मैं चुपके से शीर्ष तारा तक पहुंचने में तुम्हारी मदद नहीं करता तो तुम्हारे चीथड़े हो जाते। छोड़ो मुझे। रुद्रवंशियों को हराने का और क्या तरीका हो सकता है? देखो, संजीवनी पत्थर को सिर्फ मैं ही नियंत्रित कर सकता हूँ। मेरी सलाह मानो, मुझे तुम्हें निकलने दो, तभी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। चलो आओ, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें निकलता हूँ। आओ आओ। आजा आजा मुझ में समा जा, आजा आजा मुझ में समा जा, जल्दी आना।
बताओ कि हस्तरेखा के जादुई द्वार को कैसे ताकत दें। नहीं बताऊंगा। अगर तुम नौ भुजा चक्रम को अपनी शक्तियों से दस भुजा चक्रम में बदल सकते हो तो हस्तरेखा के जादुई द्वार के बारे में भी बता सकते हो। अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, समझे? ठीक है बताता हूँ, सिखाता हूँ तुमको। हस्तलिपि के जादुई द्वार का आखिरी भाग सीखना जरा मुश्किल है। अब तुम सीख पाओगे या नहीं ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। क्या चाहते हो तुम? मैं जो भी करता हूं सच्चे मन से करता हूं। एक बार दोस्ती की तो हमेशा साथ निभाता हूं। मैं तुम्हारी तरह नहीं जो दोस्तों की पीठ में खंजर भोंक दे। तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं। भागो मत, बताओ हमला क्यों किया वरना जाने नहीं दूंगा। मैं जानता था तुम मर नहीं सकते। ये मुझसे चिपक क्यों रहा है? अरे ये ढोंग मत कर, मैंने तुझे छुआ भी नहीं। ये आस्तीन की सांप है, कभी भी ढस सकती है। उस दिन कालकुंडा प्रतियोगिता में तुमने मुझे सभागार में जाने से रोकने के लिए हमला किया था ना? हाँ। लेकिन क्यों? तुमने मेरी जान बचाई थी, उसी का कर्ज अदा कर रही थी। तुम अंदर जाते तो मारे जाते। तुम्हें किसी ने जहर दिया क्या? क्या नाटक है ये सब? फिर से मेरी जान बचाई। मुझे तुम्हारी एक और मदद चाहिए। शगुन, पिताजी कस्तूरी वीरा से शादी करने वाली है। क्या? हाँ, कस्तूरी वीरा से शादी करेगी? हाँ, देखिए रुद्रवंशियों ने शगुन भेजा है और कहा है शादी आज ही रात है, और ये भी कहा है कि हमें शादी में जाने की जरूरत ही नहीं है। बहुत हुआ, कबीले के नौजवानों हथियार से धावा बोलो। चलो चलो। नहीं नहीं नहीं, रुको 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 रुको, अरे रुको 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 रुको, पिताजी पिताजी सुनिए, ये सब क्या कर रहे हैं आप? ये अच्छी बात है कि दोनों परिवारों का मिलन हो रहा है। तुम हटो, तुम जैसे कायर से कस्तूरी कहीं ज्यादा अच्छी है। बिल्कुल सही कहा दादाजी, अब हथियार उठाना ही पड़ेगा।
वर वधु कुल देवता का आशीर्वाद ले। अब वर वधु महाराज का आशीर्वाद ले। अब वर वधु एक दूसरे को स्वीकार करें। अब वर वधु सुहाग कक्ष की तरफ प्रस्थान करें। रुको मेरे प्यारे भाई, आज खुशी का दिन है, आओ मेरे साथ जरा एक जाम हो जाए। ऐसा क्यों कर रहे हो? ये लड़की हिमकाया के साथ जन्मी है। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं, दिखता नहीं है? तुम्हारी इच्छा तो मैंने पूरी कर दी, अब तुम इसका त्याग कर दो ताकि मैं इसका इस्तेमाल करके कुंग फू के शीर्षांबर तक पहुंचाऊं। ये गलत है, खुदाई मत करो, सब मेरे साथ अंदर चलो। चलो 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 चलो, चलो। रुद्र महल के नीचे जादुई व्यूह चक्र है जो योद्धाओं के कुंग फू को नष्ट कर देता है। हमें रुद्रवंशियों का ध्यान भटका कर जादुई व्यूह चक्र को खत्म करना होगा। ऐसा करके हम अंदर जाएंगे, कस्तूरी को बचाएंगे और रुद्रवंशियों का सर्वनाश कर देंगे। यही वो जगह है, वहां पर खोदो। वीरा, मेरी कस्तूरी को छोड़ दे। तुम्हारी कस्तूरी, मैंने कहा था ना रुद्रदेशम की कैद से मैं तुम्हें आजादी दिलाऊंगा। कस्तूरी की हिमकाया तो सचमुच कमाल है। मीरा, तुम बर्फ की तरह जमकर मरना चाहते हो क्या? तुम्हें आजाद नहीं करा पाया।
ये लो, कस्तूरी को ले जाओ, जाओ। हारा हुआ खिलाड़ी अब मरने आ गया। तुझे सच में लगता है कि तू मुझे हरा पाएगा? उस दिन कालकुंडा के रणांगन में मैं जानबूझकर किसी मकसद से हारा था। अपनी हार का बहाना मत बना कायर। चल अपने बाप को बुला, मुझे उससे लड़ना है। काल भद्रा मर चुका है, उस मूर्ख को तो बहुत पहले मार देना चाहिए था। मैं स्वर्ण वंश को हासिल कर कुंग फू की दुनिया में अपनी बादशाहत कायम करना चाहता हूँ। तेरे जैसे गधे को घोड़ों की दौड़ में दौड़ाना, गलती तो थी ही तेरे बाप की। बड़ा बदकिस्मत था तेरा बाप। आधा नंगा होके तो मुझसे पंगा लेगा। रेखा के जादुई द्वार का सातवां स्तर खुल जा। अब तुझे एक मारूंगा तो तुझे दो लगेगी, मंदबुद्धि कहीं का। आधा नंगा होके भी हार गया तू। जान बची।
जब इसकी मदद की जरूरत पड़े तब ये पत्थर इसे खिला देना। तेरी हस्तलिपि कितनी भी अच्छी हो, ये मत भूल तू शीर्ष धरा से ऊपर नहीं जा सकता। तू मुझे घायल कर सकता है पर मुझे मार नहीं सकता। मैं कुंग फू के शीर्षांबर पर पहुंच चुका हूं, अब तू मरेगा सूर्य बलि। अब अपना कमाल दिखा। रुद्रा, अब जलेगी तेरी पाप की लंका और बजेगा सूर्य बलि का डंका। सूर्य बलि, तुझे मसल कर रख दूंगा। संजीवनी पत्थर तो बस एक मामूली पत्थर है, तेरी शीर्ष धरा कुंग फू मेरे सामने कुछ भी नहीं। रुद्र देशम में अपना साम्राज्य कायम करने के लिए हम रुद्र वंशियों ने सालों खुदाई की है, पर एक बात तुझे नहीं पता। ये संजीवनी पत्थर की गोलियों से भी कुंग फू के शीर्षांबर तक नहीं पहुंच सकते, और जब तक तू रुद्र देशम में रहेगा कमजोर और मेरा गुलाम ही रहेगा। सही कहा तूने, सपने तो बड़े हैं तेरे पर दिमाग से सच में मंदबुद्धि है तू। तेरा साम्राज्य विस्तार का सपना अब तू नहीं मैं पूरा करूंगा। चित्रलिपि बदलने से हमें मदद मिल सकती है। है ना? मुझे तुम्हारी एक और मदद चाहिए। रुद्रवंश के दीवारों की चित्रलिपि बदलने में मेरी मदद करो। सारी जादुई शक्तियों का स्रोत जादुई द्वार है। मैं जादुई द्वार के आखिरी अध्याय को पूरी तरह समझ गया था। कस्तूरी आजा। मुझे नहीं पता था
कि तुम इतनी विद्याएं जानते हो। ये लो। बिल्कुल सही भैया, है ही ताकतवर। है ना भैया? और क्या। इसे वापस ले लो सूर्यबली, मुझे जाना होगा। मुझे याद है तुमने कहा था तुम्हें अपने परिवार के लिए संजीवनी चाहिए, तुमने झूठ बोला था ना? हाँ। इन्हें तुम रख लो, समझ लेना कि तुमने एक और मदद की। अरे रुको रुको, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? कस्तूरी ये बता, तुझे अवंतिका कैसे लगी? अच्छा ऐसे क्यों पूछ रहे हो? बोलो तो उसे भाभी बना लेते हैं। हाँ बना लो भैया। कस्तूरी मेरे बारे में क्या ख्याल है? अबे घुचू मेरी बहन से दूर रहना। अबे साले जीजा बना लेना मुझे। रुद्रा को मारकर सूर्यबली ने रुद्र देशम पर अपना आधिपत्य कायम कर लिया और इस तरह कुंग-फू के सर्वशक्तिमान साम्राज्य स्वर्ण वंश को जीतने का रुद्रा का सपना चकनाचूर हो गया। पर अब भी कई गिद्धों की नजर स्वर्णवंशी साम्राज्य पर थी और इस खतरे की भनक स्वर्ण वंश की राजकुमारी सौंदर्या को हो गई। सूर्यबली को क्या पता कि कालकुंडा से भी खौफनाक खेल उसका इंतजार कर रहा है। कहते हैं एक बहादुर और बुद्धिमान महानायक बन जाता है। किसे पता था कि एक मामूली शीश धरा कुंग-फू जानने वाला लड़का उम्मीद से परे कुंग-फू शीशांबर योद्धा को मात दे देगा। सूर्यबली की ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। काक भुसंडी और लोमड वंशी दोनों हमारे नागापुरम के व्यवसायिक स्वर्ण महल को हासिल करने के लिए अपने गिद्ध दृष्टि जमाए हुए हैं। मल्लिकाय नागापुरम, सूर्यबली हमारे बहुत काम आ सकता है। महामंत्री, हमें आपकी बातों पर पूरा भरोसा है, पर वो भला हमारी मदद क्यों करेगा? क्योंकि एक सच्चा योद्धा जरूरत के वक्त ढाल बनकर दुनिया के सामने खड़ा हो जाता है। खुशखबरी है महाराज, लोमड़ संप्रदाय के साथ जंग खत्म होने वाली है, पर हाल ही में व्यवसायिक स्वर्ण महल में तुम्हें पता है इन सब में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। बस मुझे चाहिए संजीवनी पत्थर और सूर्यबली।又忘了。
我后面啊。